मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए श्री प्रताप सिंह लोधी ने आज दमोह तहसील कार्यालय पहुंचकर मुहूर्त का नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके अधिवक्ता अरविंद तिवारी सहित समर्थक मौजूद रहे। बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान श्री प्रताप सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहते हुए उन्होंने किन मुद्दों की बात की, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार बन रही है। लोग बाग कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, कमलनाथ जी द्वारा किए गए वादे देखना चाहते हैं, क्योंकि जब 15 महीने की सरकार थी तो किसानों को हो चाहे युवाओं के लिए हर वर्ग के लिए उसमें कुछ था, तो लोग वो इस सरकार ने उनको खरीद कर उस सरकार को गिराया था। तो उस बदला लेने के लिए, कमलनाथ जी पर विश्वास करने के लिए आज मतदाता तैयार है। और आज इसी कड़ी में मैंने फार्म भरा है और मुझे विश्वास है कि हमारी जबेरा की जनता, जो युवा लोग परेशान होते हैं रोज़गार के लिए, जो हरियाणा पंजाब या दूसरे राज्यों के लिए काम करने जाते हैं, उनके लिए स्थानीय रोज़गार मिले, हमारे किसान